आकाशीष न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। लालू प्रसाद यादव ने बिहार कांग्रेस प्रभारी के लिए अशोभनीय शब्द का इस्तेमाल किया तो अब बवाल बढ़ गया है। आरजेडी कांग्रेस के बीच संबंध ऐसे ही खराब चल रहे थे पिछले दिनों से लगातार उपचुनाव को लेकर, क्योंकि उपचुनाव में दोनों आमने सामने आ गए। इसके बाद अब आज लालू यादव के बयान ने तो बवाल मचा दिया है और रही सही कसर भी अब लगता है जो कांग्रेस के साथ थोड़ी बची खुची थी कि अब जो फिर से सुलह होगा, लेकिन अब मामला और भी ज्यादा बिगड़ता चला जा रहा है। आज लालू प्रसाद यादव ने अशोभनीय शब्द का इस्तेमाल किया तो बिहार कांग्रेस भड़क गई। बिहार कांग्रेस की तरफ से प्रतिक्रिया आया, जो प्रेमचंद मिश्रा ने लालू यादव के बयान को अशोभनीय बताया है और प्रेमचंद मिश्रा ने कहा है कि हमारे बिहार कांग्रेस प्रभारी भक्त चरण दास के नाम को जिस तरह लालू यादव ने तोड़ मरोड़ कर अमर्यादित तरीके से पेश किया है वह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रेमचंद मिश्रा ने कहा कि आरजेडी के नेताओं की तरफ से कांग्रेस के नेताओं के ऊपर आपत्तिजनक तरीके से टिप्पणी की जा रही है। आरजेडी को यह नहीं भूलना चाहिए कि अगर कांग्रेस ने अपने मर्यादा तोड़ दी तो आरजेडी के नेताओं का क्या होगा। ये प्रसाद यादव जी ने दलित विरोधी बयान दिया है। इनके बार बार इनके 15 साल के शासन काल में भी किस तरह से दलितों का नरसंहार हुआ ये सब लोग जानते हैं, और किस तरह से इन्होंने पूरे प्रदेश में सामाजिक द्वेषता फैलाया और शासन करने का काम किया। लालू प्रसाद 100% दलित विरोधी हैं, इसीलिए किसी के प्रति, किसी भी लोगों के प्रति राष्ट्रपति का कार्यक्रम का बहिष्कार करना ये इस बात को प्रमाणित करता है कि राष्ट्रपति दलित परिवार के थे, उनके कार्यक्रम का बहिष्कार किया गया। अब इस तरह का बात तो हम लोग दूसरे राजनीतिक दल के लोगों के बारे में भी नहीं कहते हैं, और इस तरह की भाषा का प्रयोग कांग्रेस के महामंत्री के लिए माननीय लालू प्रसाद यादव ने किया जो हम लोग मुंह से भी नहीं ले सकते। ये पार्टी पूरी तरह से दलित विरोधी पार्टी है और दलित विरोधी मानसिकता से ओतप्रोत ये राजनीतिक दल है। बड़ी बात कह दी है प्रेमचंद मिश्रा ने, और प्रेमचंद मिश्रा के साथ नीतीश कुमार की पार्टी भी खड़ी हो गई है। जी हाँ, नीतीश कुमार की पार्टी खड़ी हो गई है और जेडीयू की तरफ से भी बड़ा बयान सामने आया है। जेडीयू के नेता और बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने कहा है कि लालू यादव दलितों का अपमान का सम्मान करना नहीं जानते हैं, वो हमेशा दलितों का अपमान करते रहे हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के कार्यक्रम का भी उन्होंने उदाहरण दिया और कहा कि उसमें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव नहीं शामिल हुए, जो कहीं ना कहीं ये इंगित करता है कि वो हमेशा से दलितों का अपमान करते रहे हैं। भक्त चरण दास का जिस तरह से उन्होंने टिप्पणी की है, भक्त चरण दास बताएं आपको दलित समुदाय से आते हैं जो कांग्रेस के प्रभारी हैं, तो उस पर जो लालू यादव ने टिप्पणी की है अब उस पर आरजेडी कांग्रेस के साथ साथ जेडीयू भी भड़क गई और कह दिया है कि लालू यादव दलितों का सम्मान करना नहीं जानते हैं। तो इस वक्त जो बिहार की सियासत में लालू यादव के बयान ने भूचाल खड़ा कर दिया है। भक्त चरण दास को जो उन्होंने अपशब्द से संबोधित किया है उसके बाद अब बवाल बढ़ता चला रहा है जा रहा है। अब लालू यादव पटना पहुंचने ही वाले हैं थोड़ी देर में, उसके बाद बिहार की सियासत में बहुत कुछ होने वाला है। तो बने रहिए कशिश न्यूज के साथ तमाम खबरों से।